नमस्कार, दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज है 2 अक्टूबर, यानी कि आज है गांधी जयंती, और इसी के उपलक्ष्य में आज हम हमारे कार्यक्रम में कुछ खास विषय आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, आज हम कुछ खास विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है स्वच्छता ही सेवा और जैविक खेती। इन पर आज हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम के दौरान, यानी कि पूरे 1 घंटे के दौरान हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं। और अगर आपको जानना या पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइए आपको टोल फ्री नंबर की जानकारी दे देते हैं, 1800-113-060, 1800-113-061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, यानी कि आप अगर इस पर कॉल करते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई आज के हमारे इस कार्यक्रम के विषय की और साथ ही टोल फ्री नंबर की। अब आप जो भी सवाल हमसे पूछने वाले हैं उनके जवाब आप तक कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। तो आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जेपीएस डबास, जो पूसा नई दिल्ली के कैटेट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण चंद्र, जो निदेशक हैं INM कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल, आज के हमारे इस कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है, टोल फ्री नंबर क्या है और कौन आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने वाला है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो बिल्कुल भी आप समय मत गवाइए। आप आज के विषयों के संबंध में जो भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, आप अपना फ़ोन उठाइए और हमें कॉल करके अपना सवाल पूछिए। बिल्कुल, आपके कॉल्स का हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। इसी के साथ हम हमारे कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगी डॉक्टर डबास का। डॉक्टर डबास, हमारा विषय है स्वच्छता ही सेवा, तो इस हम क्या समझे, हमारे जो दर्शक हैं स्वच्छता ही सेवा से क्या समझे? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने देखा है, जैसा कि जितने भी आदमी हैं, पशु हैं और फसलें हैं, सभी में बीमारियां होती हैं, कीट आते हैं और नुकसान करते हैं। उन कीटों का जो मुख्य स्रोत है, मुख्य जो कारण है, वो हमारा जो अस्वच्छता है या जो हमारी गंदगी है, वही इसका सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का। और इससे हमारी जो काम करने की ताकत है वो भी कम हो जाती है और हमारा स्टेमिना भी कम हो जाता है और काफ़ी पैसा इसमें ख़राब होता है। तो स्वच्छता का होना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि पिछले 10-12 साल से गवर्नमेंट एक काफ़ी ज़ोर से इस कार्यक्रम को चला रही है कि इस देश में स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और स्वच्छता होना बहुत ही ज़रूरी है और स्वच्छता ही सेवा है। ये सेवा इसलिए है, अगर आप स्वच्छ रखोगे तो आपके पास किसी किस्म के कीटाणु नहीं होंगे, हानिकारक कीट नहीं होंगे, और जब हानिकारक कीट नहीं होंगे तो बहुत सी बीमारियाँ जो हमें बहुत बुरी तरह से तंग करती हैं, जैसे आप मलेरिया का नाम ले लो, चाहे चिकनगुनिया का नाम ले लो, चाहे डेंगू का नाम ले लो, इन सभी का, या हैजा का नाम ले लो, या कोलरा का नाम ले लो, इन सभी का जो संबंध है ये गंदगी से है। तो इसलिए स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, और हमें अपने देश को स्वच्छ बना के ही हम बाहर से लोगों को आकर्षित भी कर सकते हैं और अपने वातावरण को अच्छा भी बना सकते हैं। और इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा इसलिए हो सकता है कि जो भी चीज़ें सड़ती गलती हैं वो ख़राब नहीं होती, लेकिन वो गलत तरह से सड़ गल रही हैं इसलिए वो अस्वच्छ लग रही हैं। उनको अगर सही तरह से सड़ा गला के अगर हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए एक स्रोत हो सकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एनर्जी जो मनी फ्रॉम वेस्ट, यानी कि जो हमारी गंदगी खराब चीज़ें हैं, उनसे भी हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो स्वच्छता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेस्ट, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल, स्वच्छता ही सेवा है, बिल्कुल हम सबको अपना ये दायित्व समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, इस पर हम विस्तार से हमारे विशेषज्ञों से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट पर हम यहाँ नजर डाल लेते हैं। स्वच्छता की बात महात्मा गांधी के दिल के बेहद करीब थी। उन्होंने कहा था कि साफ सफाई और स्वच्छता राजनीतिक आजादी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा था कि एक आदर्श गांव वो है जहां पूरी तरह सफाई है। इससे प्रेरणा लेते हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर की सुबह खुद अपने हाथों में झाड़ू थामी और स्वच्छता अभियान में शामिल हुए, और इसी के साथ देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। स्वच्छता का काम अब पूरी तरह एक जन आंदोलन बन चुका है कि जिसका मकसद भारत को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। स्वच्छ भारत अभियान के कारण अब खुले में शौच जाने वालों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है। 6 राज्यों और 200 से अधिक जिलों ने तो खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित भी कर दिया है। स्वच्छता से डायरिया और कई बीमारियों के मामले में कमी आती है,
जिससे देश को बाल मृत्यु दर को नीचे लाने में मदद मिली है। इतना ही नहीं, इससे स्त्रियों की सुरक्षा और उनकी गरिमा भी सुनिश्चित होती है। इस अभियान को और मजबूती देने के लिए अब देश में 15 सितंबर से करीब 2 पखवाड़े का समय स्वच्छता ही सेवा के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम स्वच्छता को ध्यान में रखेंगे, आसपास जो है अपने घर के साफ सफाई रखेंगे, तो काफ़ी हद तक हम जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनसे अपने आप को, अपने परिजनों को, अपने घर वालों को बचा पाएंगे। और बिल्कुल इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहलू होता है, वो होता है जैविक खेती। अगर हम अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल करना चाहते हैं, स्वस्थ उत्पादन हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम जैविक खेती को भी अपनाएं। ऐसे में डॉक्टर कृष्णचंद्र, आपसे समझना चाहूंगी मैं जैविक खेती के महत्व के बारे में। देखिए, जैविक खेती आज अपने बहुत ही चरम सीमा पे है, और ये सब कुछ हमारा जो मूवमेंट आया है 5 साल में आया है, इसमें हर तरह के कार्यक्रम का जो सरकार ने चालू किया है उसका बहुत बड़ा योगदान हो, चाहे आपका स्वच्छता सेवा है, ये भी इसके साथ जोड़ा गया है। जैसे हम अब सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, वो एक हमारे RKY स्कीम के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके राज्यों को पैसा दे रही है। उसमें जो हमारे गांवों का वेस्ट है, जो हमारे नाली हैं उसके जो वेस्ट निकल रहा है, इस सब को बदल के मैन्योर बदला जा रहा है, एक बड़ा काम चला जा रहा है। उसके साथ में बहुत सारी स्कीमें हमारी, परंपरागत कृषि विकास योजना, वैल्यू चेन स्कीम, फिर हमारा नमामि गंगे जो है, वो कि आपके दोनों गंगे के दोनों तट पे हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं। तो ये क्या सारा का सारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये पूरा अपना एक तो ज़मीन को ठीक करने का है कि ज़मीन हमारी जब ठीक होगी तो उससे भी हमारे जो हैं पौष्टिक आहार सब मिलेंगे, तो हमारी फसलें जो आ रही हैं उसके थ्रू जो हमारे केमिकल्स आ रहे हैं, बीमारियां कम होंगी। तो केमिकल को कम करने का एक अभियान चला है, और सरकार का जो विज़न है कि 50% कम से कम केमिकल हर किसान कम करे, और साथ ही साथ अगर जो जैविक खेती करना चाहें वो जैविक खेती भी करें। तो आज की डेट में देखा जा रहा है कि जैविक खेती से करीब 1 करोड़ से ऊपर किसान जुड़ चुका है, और जो हमारा केमिकल जो कम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे किसान, अधिक किसान जुड़े हुए हैं, जिससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमारा एक एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, पानी जो हमारा नीचे ग्राउंड वाटर है उसको भी स्वच्छ किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो मुहिम चल रही है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जैविक खेती जो हम लोग करते हैं तो पर्यावरण के लिए हमारे, प्लस आपके जो ज़मीन के लिए, प्लस हमारी सेहत के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, और ये उपयोगी होती है, काफ़ी महत्व भी रखती है। बात कर ले पर्यावरण सुरक्षा की, अपने स्वास्थ्य की, या फिर हमारी जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य की, जैविक खेती जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। और काफ़ी, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया, किसान इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन कुछ किसान अभी भी हैं जो इससे दूरी बनाए हुए हैं। उन्हें इसके और करीब लाने के लिए आज हमारा ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, और विस्तार से हम जानेंगे जैविक खेती के बारे में हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले एक और खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कृषि उत्पादकता को सतत बनाना प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा एवं जल की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करता है। पर्यावरण और मानव के बीच लाभदायी और दीर्घायु संबंधों को आधार बनाकर आज की जैविक खेती की परिकल्पना की गई है। जैविक खेती में पूरा खेत जीवंत मृदा तथा संतुलित जैविक प्रक्रियाओं सहित स्वपोषित तथा जैविक रूप से संपूर्ण होना चाहिए। जैविक खेती कृषि की वो विद्या है जिसमें रसायनों के प्रयोग को नकारते हुए आदर्श उत्पादन प्रबंधन, पर्यावरण स्वास्थ्य, जैव विविधता तथा प्राकृतिक जैव चक्र द्वारा टिकाऊ फसल उत्पादन किया जाता है। आधुनिक जैविक खेती अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ रही है। भारत में प्रमाणीकृत जैविक खेती के अंतर्गत कुल फसलीय क्षेत्र लगभग 57.1 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है।
सरकार द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। संपूर्ण भारत में फसल अवशेष एवं पशुओं का गोबर एक बड़ी समस्या है। सभी केंद्रों से मिश्रित कवक कल्चर खरीदकर इसे स्वयं तैयार कर फसल अवशेषों व गोबर पर प्रयोग करने से ये अवशेष 30 से 50 दिन के अंदर अच्छी तरह से खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जैविक खेती का जो दीप आज किसानों ने जलाया है, वो यकीनन आने वाले समय में विकास के नए रास्ते तय करेगा। जैविक खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रहती है। धीरे धीरे किसान आर्थिक रूप से मजबूत होकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो अभी आपने खास रिपोर्ट देखी जो कि आधारित थी जैविक खेती पर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से अवधेश जी ने हमें कॉल किया है, क्या सवाल है उनका जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मैडम, हम पूछ रहे हैं जो वेस्ट डिकम्पोजर है जी। हेलो जी, पूछे। वेस्ट डिकम्पोजर है, इसको घोलने के बाद कितने दिन तक यूज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? जी देखिए, वो आप अपने रिपोर्ट में दिखाया है, ये वेस्ट डिकम्पोजर ऑलरेडी अब हमारे किसानों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और करीब मुझे गर्व होता है कहते हुए कि 3 करोड़ से अधिक किसान इसका उपयोग कर रहे हैं। और ये भी एक इत्तेफाक की बात है, जब आपका चैनल लॉन्च हुआ था उसी समय ये प्रोडक्ट भी लॉन्च किया गया था आपके इसी मंच से। और जो भाई पूछ रहे हैं आपकी, एक बार जो आप वेस्ट डिकम्पोजर लेते हैं तो इसको आप पूरे उम्र इसको यूज़ कर सकते हैं। खाली एक बॉटल जो आपको ले रहे हैं 20 रुपये की बॉटल, जैसे आप दही का तोरण होता है, एक बार आपने इसको बनाया, गुड़ डाला, 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़, 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और एक बोतल जो उसके अंदर है कल्चर आपने डाल दिया, 5 दिन के बाद, जब मौसम आपका गर्म है तो 5 दिन लगता है, अगर ठंडी है तो 7-8 दिन लगेगा। ये बनने के बाद आपका हल्का सा क्रीम रंग आ जाएगा और जैसे आपको फर्मेंट, जैसे ताड़ी की महक है उस तरह की ताड़ी की महक से, या कहिए आप दही जो सड़ जाता है थोड़ा सा खट्टा होता है उसी महक आती, उस तरह की महक आनी शुरू हो जाएगी, उसमें झाग दिखाई देगा। आप उसको फिर उसमें से थोड़ा सा लेके दूसरे ड्रम में डालेंगे, तीसरे ड्रम में डालेंगे, तो ज़िंदगी भर आप इसको ऐसे करते रहेंगे और ये श्रृंखला चलती रहेगी। दोबारा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है और अगर आसपास आप 1 लीटर 2 लीटर दे देते हैं तो उनको भी बोतल की जरूरत नहीं पड़ती, इसी से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एक जो बॉटल है वो ज़िंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बस उसको ध्यान से इस्तेमाल करना होगा और उसे थोड़ा सा बचा कर रखना होगा। हाँ, ताकि आगे भी उसका इस्तेमाल किया ओपन में रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप फ्रिज में रखें या घर के अंदर रखें, ओपन में ही खाली ढक्कन एक लगा दें ड्रम के ऊपर, प्लास्टिक का ड्रम लें इसमें हम लोग बोलते हैं, क्योंकि अगर सीमेंट या लोहे का लेंगे तो उसका सीमेंट भी निकलता है, लोहे का निकलता तो काला रहता है, इसलिए हम लोग प्लास्टिक का ड्रम बोलते हैं। बिल्कुल, तो प्लास्टिक के ड्रम में भी आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं और आप जब तक खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर डब्बास आपसे जानना चाहूँगी, गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी, अब तक अगर हम बात करते हैं तो उससे क्या क्या बदलाव आए हैं? अभी तो काफ़ी बदलाव आ चुके, जैसे कि आपने अभी रिपोर्ट में देखा था कि हमारे कई सारे राज्य और लगभग 200 जिले और लाखों गाँव आज ये बिल्कुल खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं और इसका पूरा फायदा मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि इसको जो लीड किया है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने खुद किया है, जिससे इसके ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हर गांव में, हर स्कूल में, हर पंचायत घर में, सब जगह इसकी चर्चा हो रही है और आगे बढ़ रहा है और सरकार भी इसको जोर शोर से आगे बढ़ा रही है और राज्य सरकारें भी, जो किसान भाई या जो भी हमारे ग्रामीण युवक या दूसरे लोग हैं जो गरीब हैं, जो खुद नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि ये जो शौचालय है हर घर में होना चाहिए और जो शौचालय का जो हमारा मुख्य तात्पर्य है वो स्वच्छता से इसको जोड़ के बनाया गया है। दूसरी बात आती है कि हमारे पास जितना भी वेस्ट जनरेट होता है, जैसे हमारे बहुत से लोग के पशु रखते हैं तो पशुओं का जो वेस्ट है या दूसरे वेस्ट हैं, तो जब तक उसका भी निष्पादन ठीक से ना हो
तो हमारा उसका फायदा नहीं होता है और सफाई गंदगी बनी रहती है। तो उसके लिए भी सरकार जोर शोर से कार्यक्रम चला रही है। उसमें जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है, एक तो हमारा सबसे पुराना का जो कार्यक्रम है वो बायोगैस का है, यानी कि बहुत लगभग 40-50 साल हो चुके हैं, सरकार इस पर काफ़ी जोर दे रही है और इसके कई सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका जो गोबर है वो मात्र 40-45 दिन में उसका खाद बन जाता है, बहुत ही अच्छा खाद बन जाता है। और साथ साथ में उसमें जो हमारी मिट्टी में जहाँ उसका प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में रासायनिक, भौतिक और जैविक तीनों गुणों में सुधार आता है। और जैसे जैसे हमारे जीवाणुओं की संख्या जमीन में बढ़ जाती है तो फिर हमारी जमीन और ज़्यादा उपजाऊ होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी गृहिणी है उसको एक बहुत ही स्वच्छ किस्म की गैस मिलती है, जिससे कि वो अपनी रोशनी भी कर सकती है, खाना भी बना सकती है। और हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास में बड़े प्लांट हैं, तो वो अपना इंजन भी चला रहे हैं, बिजली भी पैदा कर रहे हैं और अपने सारे कार्य कर रहे हैं। और कुछ डेयरियों में तो इसका उपयोग जो है मूल्य संवर्धन के तौर पे किया जा रहा है, जो दूध पैदा हो रहा है उसके नाना प्रकार के प्रोडक्ट बना के बाजार में आ रहे हैं, किया जा रहा है उस गैस के जरिए, स्वच्छता के लिए बहुत अच्छा काम आ रहा है। बिल्कुल, तो बायोगैस भी बहुत ही अच्छी होती है। और कैसे इसका प्लांट आप अपने घर में ही लगा सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम यहाँ पर जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं मैडम पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ, चिरंजीत नस्कर जी, अपना सवाल पूछे। हाँ डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, OSD कंपोजर जो है वो हम कहाँ से प्राप्त करें? डॉक्टर साहब का यूट्यूब पे जो वीडियो था वो हमने गौर से देखा है, तो प्राप्त जहाँ से करे, गाजियाबाद से क्या रीजियोनल स्टेशन पटना से? और दूसरा बात, अमेजोन पे जो OSD कंपोजर बिकता है वो क्या ओरिजिनल है? वो जी तो बिल्कुल 10-10 बोतल 400-500 रुपए बिकता है। हाँ, किंतु डॉक्टर साहब से तो 20 रुपए से डिमांड ड्राफ्ट करके वो प्राप्त करना था। रीजनल स्टेशन पटना से कि गाजियाबाद से, यही बात पूछना है। बिल्कुल, तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ये? आप दोनों से ले सकते हैं, कहीं से भी। और सबसे अच्छा है की अगर आपके आस पास कोई किसान भाई पहले से यूज़ कर रहा है, उससे आप एक बोतल ले लें, एक लीटर ले लें, और उससे भी आप बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। और इसकी लिस्ट हमारी उस पर यूट्यूब पे पड़ी हुई है कि आपके आसपास किसान कौन किसान है जो कि ये इसको वेस्ट डिकम्पोजर को प्रयोग कर रहे हैं, उससे आप ले सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको बोतल चाहिए तो गाजियाबाद से आप ले सकते हैं, पटना से भी ले सकते हैं, वहाँ भी हमारा ऑफिस है, या आपके KVK आसपास हो गए, KVK में भी ये उपलब्ध है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर उनके पास उपलब्ध होगा तो ज़रूर आपको दे दिया जाएगा, और अगर नहीं भी होगा तो वो उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और अब डॉक्टर डब्बास, जानना चाहूँगी आपसे, बायोगैस प्लांट अगर हमारे किसान घर में लगाना चाहते हैं तो क्या तैयारियाँ करनी होगी उन्हें? जो किसान लगाना चाहते हैं उनको बहुत अच्छी तैयारी करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, उनको ये देखना कि उनके पास कितनी पशुओं की संख्या है जी, और जितनी पशुओं की संख्या उसके आधार पर उनके जो प्लांट का वो आकार तय होगा। और एक उनको ये सोचना है कि उनको कौन से डिजाइन का प्लांट लगाना है, जैसे KVIC मॉडल लगाना है, दीनबंधु लगाना है, जनता बायोगैस लगाना है, या दूसरे भी कई सारे मॉडल हैं, वो कौन सा लगाना है तो वो देखना है। इनमें जो सबसे अच्छा जो मॉडल है वो मैं दीनबंधु को ही मानता हूँ, क्योंकि उसकी एक तो लाइफ ज़्यादा है, उसकी लागत कम आती है और अच्छा चलता है, और उसको देख रख रखाव में उसमें सबसे कम खर्च होता है, और वातावरण का जो प्रतिकूल प्रभाव भी उस पर बहुत कम पड़ता है। तो अगर आप दीनबंधु लगाते हो ज़्यादा फायदा है। उसके साथ साथ में क्योंकि सरकार इसके लिए अनुदान देती है और सरकार की काफ़ी जोर शोर से स्कीम चल रही है, तो आपको अपने विभाग से संपर्क करना है, या तो खंड विकास अधिकारी से संपर्क करेंगे या कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करेंगे, जो आपको बताएंगे कि अगर अनुदान आपको लेना है तो कौन कौन सी आपको प्रक्रियाएं पूरी करनी है जिससे कि आपको अनुदान मिल सके। उसके बाद आपको प्लांट जो बनाएंगे वो ऐसी जगह पे बनाएंगे जहाँ पे एक तो गोबर नज़दीक में उपलब्ध हो जी, साथ में रसोई भी आसपास में हो और साथ में पानी की सुविधा हो, क्योंकि इसको गोबर को पानी में घोल के ही डाला जाता है, तो उसके लिए पानी की सुविधा होना भी जरूरी है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि प्लांट खुले में लगे जहाँ पे उसको सर्दियों में खूब सारी धूप मिले, जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा अच्छी गैस बनेगी और प्लांट का रख रखाव होगा। तो उसके बाद अगर आप जो प्लांट बनाना है तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक तो अच्छी किस्म की सामग्री तो लेनी ही लेनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका जो बनाने वाला मिस्त्री है उसका एक वेल ट्रेंड होना, एक निपुण होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी कोई प्लांट बनवाएं तो आपको ये पता होना चाहिए आपको जो बनाने वाला है उसने पहले कितने प्लांट बनाए हैं, उनकी कितनी सफलता रही है, क्योंकि इसको जो प्लांट बनाते हैं वो एयर टाइट बनता है, और अगर कहीं से भी उसमें हवा की कोई मतलब निकासी हो गई या कहीं पे
उसमें लीक होने के चांस हो गए तो आपका सारा का सारा पैसा खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक वेल ट्रेंड मिस्त्री से ही प्लांट बनवाना है। बिल्कुल, तो बनाने वाला जो है वो प्रशिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षित होना, बिल्कुल प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए और उसकी काफी निपुणता होनी चाहिए, तो उसी से आप बनवाएंगे। और उसके बाद बारी आती है कि आपको इसके लिए जो गैस का चूल्हा लेना है वो बिल्कुल अलग किस्म का होता है, ये एलपीजी वाला चूल्हा उसमें नहीं चलता है, तो आपको बायोगैस का ही चूल्हा लेना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिन्होंने रोशनी करनी है तो इसकी लालटेन भी उपलब्ध होती है, तो लालटेन भी ले सकते हैं, उसको भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास पशुओं की संख्या ज्यादा है, तो उनके पास ज्यादा गैस बनेगी, ज्यादा खाद बनेगा जी। अब ज्यादा गैस को रसोई में तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, रसोई में तो एक लिमिटेड मात्रा में उपयोग होगी, तो जो एक्स्ट्रा गैस है उससे जो भी आपके पास डीजल इंजन है उसमें एक छोटा सा कन्वर्टर लगेगा, जैसे आप कन्वर्टर लगाएंगे तो आप उसको बायोगैस से लिंक करेंगे तो आपका 1/4 डीजल लगेगा और 3/4 गैस उसमें काम आ जाएगी, तो इससे आपका जो लागत है वो कृषि में और अधिक कम हो जाएगी। और सबसे जो खास बात यह है, अक्सर हमारे किसान भाई सोचते हैं कि बायोगैस प्लांट के लिए केवल गोबर की ही आवश्यकता होती है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बायोगैस प्लांट में कोई भी सड़ने गलने वाली चीज अगर आप डालेंगे तो उससे सबसे गैस भी बन जाएगी और खाद भी बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं सूखे पत्ते हैं, सूखे और पत्ते सब्जियों हैं, फल के छिलके हैं, या किसी ने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है वो भी लगा सकता है। इसके साथ साथ में बहुत सारी फूड इंडस्ट्री है जहाँ पे काफी वेस्ट जनरेट होता है जी। वो भी बायोगैस में उसका प्रयोग हो सकता है। बिल्कुल। और स्लॉटर हाउस को भी इससे लिंक किया जा सकता है। तो जितनी भी चीजें हैं जहाँ पे सड़ने गलने वाली चीजें हों, इवन जो मंडी का वेस्ट है, सब्जी मंडी का वेस्ट है, उसका भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। तो उससे एक तो आपको अच्छी गैस मिलेगी, अच्छा खाद मिलेगा। सही बात तो ये है कि आज हमने, मतलब बहुत दिनों से हमारे किसान भाइयों ने जो देसी खाद है उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। और मुंह मोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जितने भी रासायनिक खाद हैं इन पे काफ़ी मात्रा में सब्सिडी मिलती है, और देसी खाद क्योंकि सब्सिडी नहीं है और उसमें जो काम करने में जो ताकत ज़्यादा लगती है, एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, लेबर ज़्यादा लगती है, तो इससे किसान ये सोचता है कि इससे अच्छा 2 कट्टे यूरिया ही डाल लेंगे। तो इसको किसानों को अपनी मेंटेलिटी को बदलना होगा, जो हमारा देसी खाद है उसमें एक नहीं आपकी फसल के लिए आवश्यक 16 या 17 जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, वो सभी के सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण यह खाद अन्य सभी खादों से कहीं बेहतर है। और आज जब तक आप अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रख पाएंगे तब तक आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना नहीं है। तो ये मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में पूरी आपका मददगार साबित हो सकता है। बेहतर बनाए रखने में तो ये बिल्कुल माहिर है ही, साथ ही साथ हम इसका इस्तेमाल गैस के तौर पर कर सकते हैं, जैसे घर में चूल्हा जलाने के लिए अपना डीजल इंजन जो है वो भी चलाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, लालटेन वगैरह भी अगर जलानी है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बिल्कुल बहुत ही फायदेमंद है, बस आपको पहले अगर इसकी शुरुआत करनी है तो थोड़ी सी जानकारियां ले लेना जरूरी है, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने यहां पर बता ही दिया है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, क्या है उनका सवाल आइए जान लेते हैं। हेलो, हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और फिर अपना सवाल पूछें। हेलो, आप अपने टीवी का आवाज पहले कम कर दें फिर अपना सवाल पूछें। हमें खामगांव महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है दोनों सर से, जैविक खेती कैसे की जाए? बिल्कुल, जैविक खेती कैसे की जाए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है, जुड़ना चाहते हैं जैविक खेती से। डॉक्टर कृष्णचंद बताएं इनको विस्तार से। जी, आपकी तरह बहुत सारे किसान भाई ये सवाल पूछते रहते हैं। जैविक खेती आप कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, और जैसा कि लोग भ्रमित करते हैं कि तरह तरह के लोग उसमें नाम जोड़ रखे हैं कि नाम इसका अलग अलग दे दिया गया है जैविक खेती का, तो उससे हमारे में भ्रांति आती है। लेकिन अगर आप 1960 के पहले की बात करें, जब हमारे पास आपके पास रसायन नहीं थी, जो आप खेती करते थे वही जैविक खेती है जी। सिंपल ये है। और आप इसके लिए आपके जो पेरेंट्स हैं, फादर मदर हैं पहले, वो जो जिस तरह से आपकी खेती में करके तरह तरह की चीज़ें उगाते थे वही आप इस समय करें। लेकिन थोड़ा सा आज जो है थोड़ा साइंटिफिक वे हो गया, थोड़ा विज्ञान की तरह से, जैसे जीवाणियों का उपयोग करते हैं हम लोग, बाहर से
बायो फर्टिलाइजर्स ले लेते हैं, कुछ हम लोग आपका जो है बायो कंट्रोल ले लेते हैं। इसमें सबसे मेन होता है कि आप जब जैविक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो पहले केमिकल को बंद करना होता है, चाहे यूरिया हो या डीएपी हो चाहे एमओपी हो, आपके कोई भी पेस्टिसाइड फंगिसाइड ये सब पूरा पूरी तरह से आपको ख़त्म करना है, बंद करना है। और बहु फसलें लेनी, कई फसलें एक साथ ली जाती हैं, तो ये जो हमारे नियम बनाए गए हैं उसी के तहत आप अगर आप करते हैं खेती, इसमें जो आप डिसीज़ कंट्रोल होगा वो भी आपके जो खरपतवार है, जो आपके पत्ते हैं जो गाय भैंस नहीं खाते हैं, उनको पीस के उसका अर्क निकाल के उसका छिड़काव करें तो उससे हमारी बीमारियां रुक जाती हैं। और हमारे ज़मीन के अंदर जो हमारा पंचगव्या लोग बनाते हैं, कुछ भाई हमारे जीवामृत बनाते हैं, जीवम आपके उसके अलावा अमृत मिट्टी बनाते हैं, हर एक तरह के, क्योंकि हमारे पास जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत से प्राणी करीब 19 प्रणाली हैं जिसमें कि हम बोलते हैं कि गौ माता खेती, ऋषि खेती, होमा खेती, जीरो बजट खेती, सरस्वत खेती, ऋषि खेती, तो ये हर एक तरह के अलग अलग नाम हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक है। उद्देश्य ये है कि आप केमिकल किसी तरह से किसी भी रूप में इसको प्रयोग नहीं करेंगे। और सबसे अच्छा ये होता है कि आप जब केमिकल प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब आप अपने फार्म के ऊपर ही हर चीज़ उगाएं। फार्म के ऊपर उगाने से जो ऑन फार्म प्रोडक्शन होता है वो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि अगर आप बाहर से मान लीजिए गोबर भी लेके आते हैं तो उसमें क्या आता है, अगर आपने गाय को चारा बाहर का खिला रखा है तो उसमें पेस्टिसाइड पड़ा होता है, और आपने अगर मान लिए कोई सब्जी के पत्ते खिलाए वो भी उसमें पेस्टिसाइड है, तो जो गाय भैंस अगर उसको खाती है तो उसका अंश जो है हमारे गोबर में आता है, तो वो उससे क्या है हमारे जब खेत में जब ये मैन्योर बना के आप डालते हैं तो उसका जब भाग हमारे फूड चेन में आता है तो वो आपका जो है जैविक नहीं कहलाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप जितना हो सके कोई भी पशु अपने घर पर ही पालें, उसी का आप गोबर या जो आपके अगर गाय है भैंस है तो उसका गोबर लें, अगर आपकी बकरी है या भेड़ है जो भी जिस तरह से आपके एरिया में है जो जानवर है उसको ही आप मैन्योर बनाएं, फिर जितना फसल अवशेष है उसको आप डिकम्पोज करें, और पंचगव्या दसगव्या और हमारे जितने भी हैं नेचुरल चीज़ों का उपयोग करके अगर आप खेती करते हैं तो उसको हम लोग जैविक खेती बोलते हैं, और उसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल आपके अनाज में नहीं मिलेगा। जब इसका टेस्टिंग करने के बाद आप जब उसको प्रमाण दिया जाता है तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको 2-3 गुना दाम मिल जाता है। बिल्कुल, तो देखिए जैविक खेती की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। जैसे डॉक्टर दबास ने बताया था बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं अपने घर के आसपास, अपने खेत के आसपास, जिससे आपको स्वच्छ और जैविक खाद भी मिल सकती है। एक और होता है कंपोस्ट बनाना, किस तरह से हमारे किसान जो हैं कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं डॉक्टर दबास? देखो जहाँ तक कंपोस्ट की बात है, कंपोस्ट 2-3 किस्म के हैं। एक तो हमारे किसान भाई बहुत पुराने प्राचीन समय से जो बनाते आ रहे हैं वो हम खड्डा खोद के उसमें गोबर डालते हैं और वो अपने आप सड़ता रहता है, 6-8 महीने में जो उसका रंग बदल जाता है, काला हो जाता है, उसमें बदबू आनी बंद हो जाती है तो कंपोस्ट तैयार हो जाती है। लेकिन इस जो विधि है जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो इसमें काफ़ी पोषक तत्व इस विधि के दौरान नष्ट हो जाते हैं, तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं बनती है। दूसरा समय बहुत अलग लगता है, और कई बार इसमें जो बाद में जो गोबर डालते हैं वो कच्चा रह जाता है, जब कच्चा गोबर खेत में जाता है तो उसको दीमक को या दूसरे कीड़ों को आमंत्रण करता है, तो इस किस्म की विधि में थोड़ी सी एक कमी है, तो इसका कमी को दूर करते हुए जो दूसरी विधि हमें निकाली थी वो निकाली है केचुए की विधि। कि नीम केचुए के माध्यम से अगर गोबर को हम या जितना भी वेस्ट हमारा जनरेट होता है उसको अगर हम खाद में परिवर्तित करते हैं तो उसमें भी वही पहचान है कि जब आपके खाद में बदबू आनी बंद हो जाए, उसका रंग काला हो जाए, तो आप सब आपको समझो कि आपका खाद तैयार है। तो केचुए का जो खाद बनता है, इसका जो खाद है वो जो पुरानी जो विधि थी उससे बेटर होता है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है और इसमें खरपतवारों के बीज भी काफ़ी कम हो जाते हैं, तो इससे ये खाद बेटर है और जल्दी बन जाता है। और जो तीसरा जो मैंने बताया था अभी, जो बायोगैस वाला बताया था, बायोगैस में तो आपको खाद बिल्कुल तैयार करके रोज का रोज मिलता है, अगर आप रोज उसमें गोबर डालते हैं तो रोज खाद भी निकलता है और जो खाद निकलता है वो तैयार होता है, और तैयार खाद की पहचान वही है कि उसके अंदर एक तो बदबू नहीं आनी चाहिए और मच्छर मक्खी नहीं बैठनी चाहिए। अगर मच्छर मक्खी बैठ रहे हैं तो इसका मतलब आपका खाद पूरा सड़ा नहीं है, सड़ने के बाद वो बैठेंगे नहीं, और मच्छर मक्खी ही सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं। और जब हम कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो इससे दीमक के अलावा दूसरे कीट भी फैल जाते हैं, और जितने भी हमारे कीट हैं, चाहे वो पशुओं के हों जो नुकसान करते हैं, नुकसानदायक कीट हैं, या फसलों में नुकसानदायक कीट हैं, इनका सबका संबंध गंदगी से है, नमी से है, वातावरण की गर्मी से है, इन तीनों से संबंध है।
तो जब तक हम स्वच्छता नहीं बना के रखेंगे तो हम इन कीटों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। और जो डॉक्टर किशन रावी अभी बात कर रहे थे कि हमें इसमें बीमारियों को, कीड़ों को जैविक विधि से रोकना है, तो इसमें हमें वही उपाय करना है जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारियों कीड़ों को आने से रोकना है, और आने से रोकने के लिए हमें अपने जो प्राकृतिक संसाधन है इनका उपयोग ठीक से करना है। जब हम ठीक से संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप कम हो जाएगा। और साथ साथ में जो खरपतवार हमारे लिए सिरदर्द बने हुए हैं वो खरपतवार भी हमारी जो मिट्टी में मिलेंगे तो उनका भी खाद बनेगा और मिट्टी के जलधारण क्षमता को बढ़ाएंगे। और जितना भी हम जैविक खाद का ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतनी ही हमारी मिट्टी के जो भौतिक गुण है, खासकर मैं कहना चाहूँगा जो जल धारण क्षमता है जितनी उसकी में बढ़ोतरी होती है उतना ही हमारी जल की दक्षता बढ़ जाती है, यानी कि कम पानी से हम ज़्यादा फसल ले पाते हैं, अच्छी फसल ले पाते हैं। और पानी आज हमारे लिए एक सबसे बड़ा संकट हुआ है कि पानी को जो हमें बचा के रखना है और सही मात्रा में सही समय उसका प्रयोग करना है। भूजल स्तर जो है वो भी काफी कम होता जा रहा है, और अगर हम इन प्रक्रियाओं को अपनाएंगे तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। पानी को अंदर नमी बनाए रखने के लिए जो अंदर सीपेज होती है वो भी अच्छे से हो पाएगी पानी की। बिल्कुल, तो देखिए जैविक खेती की हम बात कर ले चाहे हम स्वच्छता की ही बात कर ले, बेहद जरूरी हो जाता है इन बातों पर ध्यान देना हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, इन दोनों विषयों पर हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद हमारे लाइव ऑन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं स्वच्छता ही सेवा और जैविक खेती पर। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1130-60 पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या है उनका सवाल, आइए जान लें। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी, मैं अंगद सिंह भावतपुर जमानिया गाजीपुर से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछे। धान की तो उसमें पत्ती लपेटर कीट लग गया है जी, धान लगाए हैं और पत्ती लपेटक जो कीट है उसका प्रकोप हो गया है, तो जैविक तरीके से कैसे नियंत्रण करें उसका? अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि आप जो भी खरपतवार है, गाय भैंस आपके जो पत्ते नहीं खाते हैं, जो पेड़ नहीं खाते हैं, जैसे आपका धतूरा हो गया, बेसरम के पत्ते हो गए, नीम के पत्ते हो गए, आपके आसपास जितने भी मान लीजिए कांग्रेस घास आपके खेत में है, उन सबको मिला के आप सारे पत्तों को तोड़िए, तोड़ने के बाद उसको पीसने के बाद एक एक किलो हो जाए, तो मान लीजिए 10 तरह के पत्ते लिए तो 10 किलो आपने लिया। उसके साथ जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, किसान भाई पूछ रहे हैं वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में, वेस्ट डिकम्पोजर का सोलूशन उसके अंदर डाल दें, मान लीजिए 10 किलो आपके पास पत्ते हैं उसमें 20 लीटर आप डिकम्पोजर डाल दें और 20 दिन तक छोड़ दें, छोड़ने के बाद जो उसके अर्क निकल के उसके बाहर आ जाएगा उसका आप 30% स्प्रे करें, यानी 30% घोल और बाकी 70% पानी मिला के आप फसल के ऊपर स्प्रे करें हर हफ्ते। आप देखेंगे 3 स्प्रे करने के बाद कोई भी तरह की बीमारी हो उसको रोकथाम हो जाती है। और आप अगर जैविक खेती कर रहे हैं तो ये बीमारियां तो उसमें कम आती हैं,
तो अगर आ गई है जिसके माने कहीं आसपास से या कुछ आपने जो यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रॉपर नहीं है, उसका भी ध्यान दें। और इस तरह से आप जो फॉर्मुलेशन जो हम लोग बोल रहे हैं, जैसे आपका रोग जीव इसके रोकने के लिए हुआ, हमने बीजामृत बनाया, जीवामृत बनाया, बाकी जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करें उन सबका प्रयोग करेंगे तो आपको बीमारियाँ कम आएंगी और इसको डालने से आपकी बीमारी जरूर दूर हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जो फसलें हैं उन पर बीमारियों और कीटों का प्रकोप होगा ही नहीं और आगे चलकर कोई परेशानी भी नहीं होगी। बिल्कुल डॉक्टर कृष्णचंद, आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया था कि प्रमाणीकरण होना चाहिए जब जैविक फसलें हमारे किसान लगाते हैं, उसके बाद जब उनको प्रमाणीकरण मिल जाता है फिर अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप बताएं। हाँ देखिए, ये जैसा कि एक अभी कंपोस्ट के बारे में बता रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा जी, बताएं कि एक प्रणाली जो हमने चालू की जिसके बारे में किसान बार बार बात कर रहा है, जो वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में, अगर हम वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन को किसी भी वेस्ट के ऊपर डाल के नहला देते हैं तो वो अपने आप खाद बन जाती है, इसमें पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसको कहीं गड्ढा लगाना पड़ता है, 40 दिन के बाद देखेंगे तो वो आपको खाद बन जाती है। और उसमें एक सबसे बड़ी जो खूबी होती है कि मच्छर मक्खी और बदबू वो आपके दूसरे दिन ही ख़त्म हो जाती है, तो आप देखेंगे 30 या 40 दिन में जब खाद बनती है बिल्कुल भुरभुरी बनेगी, काले रंग की खाद बनेगी और महक नहीं आएगी। तो ये आपका और एक और पहचान है, अगर आप अच्छी खाद जो बोलते हैं, अगर जब उसको आप कोई सफ़ेद कपड़ा हो जो आपके पास है उसमें उसको खाद को डालें, उसको बांधें, आप देखेंगे उस सफ़ेद कपड़े में दाग नहीं पड़ेगा। जो अगर ये दाग ना पड़े तो इसके माने समझिए इससे उत्तम खाद नहीं है, और उसमें सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं मिलेंगे, क्योंकि खाद जल्दी बन जाती है और इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का है वही, क्योंकि आज तक जितनी खादें बनती थी उसमें जो टेम्परेचर जाता है आपका 70 डिग्री के आसपास जाता है जिसमें पैथोजेंस वगैरह मर जाते हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस ऐसा है जो कि एंजाइम के तरीके से होता है, जो उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तो आपका ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है, सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तो इसको प्रयोग करके देखें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और ज़मीन में जो आप बताएं कि अब जब ये आप डिकम्पोजर ज़मीन में डालते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हर एक सिंचाई के साथ 1000 लीटर पर एकड़ डालिए, तो उससे ज़मीन आपकी 6 महीने में ही बदल जाती है, और ज़मीन के अंदर आप जैसा हम लोग पहले बोलते थे कि केचुआ खाद यूज़ करें, तो केचुए खाद की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि केचुआ आपकी ज़मीन में ही पैदा हो जाता है। ये पाया गया है कि 6 महीने में 5 लाख केचुए पर एकड़ पैदा हो जाते हैं, तो आपको किसी भी खाद की कोई ज़रूरत नहीं, खाली आपको जो भी फसल अवशेष है काट के वहीं डाल दें, जैसे पराली है उसको भी आपने काट के खेत में डाल दिया, जब वो हाफ डिकम्पोज है जो केचुए उसको अपने आप बदल के खाद बना देते हैं, और आप देखेंगे टनों टन खाद आपके खेत में बन जाएगी। और अब रही प्रमाणीकरण के बाद, क्योंकि जब आपकी ज़मीन अच्छी हो गई, ज़मीन अच्छी होने के बाद जब आप फसल उगा रहे हैं उसके अंदर रेजिडुअल इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ज़मीन को बफर करने के लिए हमें लगते हैं कम से कम 3 साल मिनिमम, अगर आप पंजाब हरियाणा में जाएंगे आंध्रा में जाएंगे तो लगते हैं 8 से 10 साल, क्योंकि इतनी ज़्यादा केमिकल यूज़ किया गया, सॉइल बिल्कुल कम्पैक्ट हो गई। लेकिन जब ये तरीका आप लाते हैं, हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर के थ्रू से थोड़ा खेती अप्लाई करते हैं, 5 गव्या 10 गव्या सब मिला के समावेश करते हैं, तो उससे देखा गया है कि 6 महीने के बाद ही आपकी ज़मीन बदल जाती है, मैक्सिमम 1 साल होता है, 1 साल के अंदर पूरी ज़मीन बदल के हर एक तरह के तत्व आ जाते हैं। अब जब उसको आप जाके टेस्टिंग कराएंगे किसी लैब में कराते हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता, कोई भी उसके अंदर पेस्टिसाइड फंगिसाइड्स या कोई भी असर नहीं आएगा, कोई भी केमिकल नहीं पाया जाएगा। तो जब ये आपका हो गया, इसके माने आपका जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी जैविक हो गया है जी। तब आप प्रमाणीकरण के जब जाएंगे तो प्रमाणीकरण में देखेंगे आपको उसका एक लोगो मिलेगा और उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बेचने जा रहे हैं अगर आपने आप पैकिंग करते हैं तो आपको FSSAI नंबर भी लेना पड़ता है, जो आजकल ऑनलाइन FSSAI नंबर मिल रहा है वो ले लीजिए। आपके पास 2 प्रणाली हैं, एक PGS हमारा सिस्टम है और एक हमारा सिस्टम है NPOP जिसको हम लोग बाहर एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, उन दोनों में से कोई प्रणाली लेके आप उसका लोगो लगाएंगे तो वो आपका जैविक के दाम अपने आप डबल हो जाएगा, उससे अधिक दाम मिलता है, तो ये आप प्रमाणीकरण के बाद ही जब आप बेचेंगे तो आपको अच्छे दाम मिल पाएंगे, वरना बाकी आपको बिना प्रमाणीकरण के ये प्रूफ करना मुश्किल होता है कि आपका जो उत्पाद है वो जैविक है कि नहीं। बिल्कुल, इसके लिए प्रमाणीकरण जो है करवाना बेहद जरूरी हो जाता है, और क्या प्रक्रिया रहती है हमारे विशेषज्ञ ने बता ही दिया है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर दबास, अब आपसे जानना चाहूंगे, हम लगातार बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो किसान हैं वो स्वच्छता की ओर क्या क्या कदम उठा सकते हैं। केवल ग्रामीण क्षेत्र नहीं, अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो हम सभी का दायित्व है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखें, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी?
मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र तो फिर भी स्वच्छ हैं, ज्यादा हमें जो स्टेप उठाने चाहिए वो केवल जितने हमारे शहरी क्षेत्र में ज्यादा उठाने चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पे जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो नदियों में डाल दिया जाता है, और जब नदी डाल देते तो नदी हमारी पोल्यूट होती है। और यही कारण है कि आज हमें अलग अलग नदी की सफाई के लिए अलग अलग अभियान चलाने पड़ रहे हैं। तो इसको बचने के लिए सबसे जरूरी है कि जो भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं किसी भी शहर में जनरेट होता है तो उसको हम किसी भी तरह से खाद में कन्वर्ट करें। और खाद में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं जी, और खासकर जो ग्रीन वेस्ट है यानी कि जो सड़ गल सकती है उसको हम ग्रीन वेस्ट कहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर नवाज, माफ कीजिएगा यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, उसके बारे में विस्तार से मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगी। एक कॉलर जुड़ गए यहाँ पर, पहले मैं उनका यहाँ पर सवाल शामिल करना चाहूंगी। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हेलो जी मैम, जी अपना सवाल पूछे। जी मेरा सवाल है जैविक खाद बनाने की विधि। जैविक खाद बनाने की विधि मेरा सवाल। जी बिल्कुल, जैविक खाद बनाने की विधि के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? अभी देखिए आपको हम बताया जैविक खेती जो सिंपल तरीका जो है, आपके पास अगर कोई भी पशु का वेस्ट है उससे भी खाद बना सकते हैं, फसल अवशेष है उसका भी खाद बना सकते हैं। अगर आप फसल अवशेष है ज़्यादा है तो उसको छोटे पीस में अगर कर लें, जितने छोटे बारीक पीस करेंगे, खाली एक सिंपल आपको जो हम लोग बता रहे हैं बार बार कि वेस्ट डिकम्पोजर बनाना है उसका सलूशन बना के रख लें और उससे आप जो भी वेस्ट है उसके ऊपर नहला दें, जैसे आप नहाते हैं वैसे तरह से उसको नहला के भिगो दें, और उस पर ना कोई चीज़ ढकने की ज़रूरत है, ना आपको धूप की ज़रूरत है, ना छा, कहीं भी रख दें, आप किसी भी जगह पर रखेंगे वो 40 दिन में खाद अपने आप बन जाता है। अगर आप उसको पलट दें, हर एक हफ्ते में पलट दें जो आप प्रोसेस कर सकते हैं, तो और जल्दी खाद बन जाती है 30 दिन में। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी 40 दिन में आपकी खाद बन के तैयार हो जाती है। सिंपल तरीका है, आप करके देखें, बहुत जल्दी खाद बनती है। तो वेस्ट डिकम्पोज खाली आप उसको प्रयोग करें, आप देखेंगे इससे अच्छी खाद कोई नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तो कैसे आपको जैविक खाद बनानी है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। रुक कर लेते हैं डॉक्टर नवाज का। डॉक्टर नवाज, क्या सलाह रहेगी आपकी शहरी क्षेत्रों में कैसे करें स्वच्छता का ख्याल? तो मैं तो वही बताना चाहूंगा, जितना भी हमारा वेस्ट जनरेट होता है जो खासकर ग्रीन वेस्ट जनरेट होता है उसको हमें वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एक तो हमारे पास बहुत स्वच्छ ऊर्जा मिल जाती है, साथ साथ में उससे टोटल खाद बन जाता है, और ये जो खाद है हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं उसका बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ जितनी भी हमारी नदियाँ हैं वो स्वच्छ रहती हैं, साफ सुथरी रहती हैं। आज हम देखते हैं जितने भी शहर हैं वहाँ पर खाद बाहर से आता है, जबकि उल्टा होना चाहिए कि खाद शहर का बाहर जाना चाहिए, गांव में जाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी मंडियां हैं वो सब शहर में हैं और मंडियों में काफ़ी वेस्ट जनरेट होता है। और आज जो सबसे बड़ी समस्या जितनी भी म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन की है वो यही समस्या है कि वो इस जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है इसका कैसे निष्पादन करें। इसके निष्पादन में भी हमें मदद मिलेगी, जब हम इस तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो उसका निष्पादन में मदद मिलेगी, साथ साथ में अच्छा खाद भी बनेगा और शहर भी स्वच्छ रहेंगे। जब शहर स्वच्छ रहेंगे या गांव स्वच्छ रहेंगे तो हमें बीमारियों से बच जाएंगे, कीड़ों से बच जाएंगे, और जितने भी खाली हम नहीं बचेंगे बल्कि हमारे जितने पालतू पशु हैं या फसलें हैं सभी इन चीज़ों से बचेंगी। तो स्वच्छता हमारे लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा होना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि जब से हमने स्वच्छता अभियान चलाया है तो देश में इसके बड़े सार्थक परिणाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ कम हो गई हैं, और जब बीमारियाँ कम होती हैं तो हमारी जो उत्पादकता है वो बढ़ती है, क्योंकि हम ज़्यादा का जितना जो पैसा हमारा बीमारी खर्च होता है वो बच जाता है, साथ साथ में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है वो बच जाता है, और आदमी की जो काम करने की क्षमता है वो ज़्यादा अच्छी बनी रहती है। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है आज के दिन की ज़रूरत है और पूरे देश में ज़रूरत है, हर गाँव में, हर शहर में, हर कस्बे में इसकी आवश्यकता है। इसको बड़ी अच्छी तरह से हमें चलाया जाना चाहिए, और जितने भी क्षेत्र हम चलाते हैं उतना ही ज़्यादा हम अपने वातावरण को बचाएंगे, मिट्टी को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे प्रदूषित होने से, और देश को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेंगे। जी बिल्कुल, तो ये हम सभी का दायित्व है कि हम देश के विकास के लिए स्वच्छता का ध्यान ज़रूर रखें, चाहे बात हम ग्रामीण क्षेत्रों की करें चाहे हम शहरी क्षेत्रों की बात करें, हम सभी को मिलकर इस दिशा में अपने कदम आगे ज़रूर बढ़ाने होंगे। और ऐसे में मैं डॉक्टर कृष्णचंद्र से जानना चाहूँगी, जैविक खेती के लिए हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि किसान इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है जो अभी तक इस तक नहीं पहुँच पाया है, ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जो जैसा हमने देखा कि कोई भी किसान नहीं चाहता कि हम महंगी से महंगी खाद लेके केमिकल लेके डालें, क्योंकि आज केमिकल का दाम बहुत ज़्यादा है, खासतौर से पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, आपको देखेंगे 10-10 हज़ार रुपये लीटर का तक का बिक रहा है, और
उसके परिणाम जो है हमारे जो सेहत के ऊपर हैं, हर तरह की बीमारियां पैदा हो रही है, वो किसान भी जानता है। और ये भी बड़ा देखा गया कि जो बड़े किसान हैं वो बड़ा मतलब आश्चर्य की बात है कि अपने लिए वो छोटा सा एक खेत रखते हैं जिसके अंदर जो उगाते हैं उसमें कोई केमिकल नहीं डालते हैं, बाकी जो बेचने के लिए उन्होंने रखा हुआ अलग से पूरा खेत में सब केमिकल डालते हैं। तो ये इस तरह की परंपरा चालू है, उनको मालूम है कि हम जो बेच रहे हैं वो चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन उत्पादन अधिक के चक्कर में और आपका अधिक पैसा कमाने के लिए वो इसको अपनाए हुए हैं, अधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप एक संतुलित तरीके से यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि उत्पादन भी अच्छा मिलता है, आपका आपकी फसल भी अच्छी मिलती है। इसीलिए हमारे सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड निकाला हुआ है कि जो आपकी जमीन के तत्व हैं उसको टेस्ट कराएं, टेस्ट कराने के बाद जितनी मात्रा में केमिकल की ज़रूरत है अगर उतना यूज़ करते हैं तो उसके आपके परिणाम भी जो है दुष्परिणाम ख़त्म हो जाते हैं। तो जैविक खेती की बात जहाँ आती, किसान हर किसान चाहता है जुड़ना, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो इससे उनको जो है भ्रम बहुत फैला हुआ है। और हमारे पास जो इनपुट मैनेजमेंट है, जो उनको खेत में जो पैदा करने की चीज़ें हैं उनकी साधन भी कम है, एक ये भी रीज़न है। और दूसरा ये है कि हम लोग अभी एकदम रूट लेवल तक किसानों को ये नहीं समझा पाए हैं कि इससे खेती करने से, आपको जैविक खेती करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन जो लोग खेती कर रहे हैं उसके उनको वो एक बार जब खेती में आ जाते हैं तो उनको दिखाई देता है कि जैविक खेती अच्छी है, तो उससे जुड़ रहे हैं और संख्या बढ़ गई। मतलब अगर आप देखें 5 साल के पहले का डाटा और आज के डाटा में देखें, पहले हमारे पास खाली 6.5 लाख किसान था, आज हमारे पास करीब जो रजिस्टर्ड है वो करीब 57 लाख किसान है। और आपका जो आगे आने वाला जिनको मतलब एक्चुअली जो हमारे पोर्टल्स पर रजिस्ट्रेशन है, जो हमारे बाहर हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा, उसमें थोड़ा सा हमारे पोर्टल हैं स्लो हैं और डाटा इतना ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे, उसके वजह से किसान बाहर है। लेकिन इसकी संख्या जैसा मैंने पहले बताया 1 करोड़ से करीब ऊपर है। बिल्कुल, तो जो किसान जैविक खेती से नहीं भी जुड़े हुए हैं अब उन्हें भी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। जैविक खेती से जुड़िए, अच्छा उत्पादन हासिल करिए और अपनी आमदनी में भी वृद्धि आप कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने और जो उपभोक्ताएं हैं उनके स्वास्थ्य को भी आप बेहतर बना सकते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित तो रखा जाएगा ही और साथ ही हमारे जो खेत की मिट्टी है उसका स्वास्थ्य भी यहाँ पर बेहतर बना रहेगा। बिल्कुल अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगी डॉक्टर अब्बास, क्या कहेंगे, आज गांधी जयंती है और साथ ही साथ गांधी जी का कहना था कि स्वच्छता का जरूर ध्यान रखना चाहिए और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अभियान शुरू कर रखा है स्वच्छता अभियान, तो इस पर आप हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अदिति आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज गांधी जयंती है। जैसा कि आप जानते हैं आज से हमने सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बिल्कुल देश में पूरे बैन हो चुका है जी। और हमें कोशिश करनी चाहिए उसका प्रयोग हम ना करें। और हमें बैन करने की नौबत क्यों आई? नौबत आने का यही कारण है कि यही प्लास्टिक जो है हमारी नालियों को चौक करता था, हमारे जितने भी सीवरेज सिस्टम उसको चौक करता था, साथ साथ में जितने भी हमारे पशु खासकर शहर में रहते हैं उनके पेट में भी जाने के बाद उनका पेट खराब हो जाता था, बीमार हो जाते थे और मर जाते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। इसके साथ साथ में हमारी जितनी चैनल में गड़बड़ आ रही थी, तो बहुत सारी दिक्कतें जो होती उनको दूर करने के लिए सरकार ने इसको बैन करने का कदम उठाना पड़ा है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जहाँ पे प्लास्टिक की आवश्यकता ना हो, प्लास्टिक को सब्स्टिट्यूट मिल सके, तो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल उन्हीं जगह हमें प्रयोग करना चाहिए जहाँ उसका कोई सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं है, तभी हम इसका प्रयोग करें, नहीं तो हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जैसा गांधी जी की बात करते हैं, तो गांधी जी का सबसे बड़ा सपना यही था कि हमारा देश, हमारे गाँव, हमारे शहर, हर घर इतना स्वच्छ होना चाहिए कि वहाँ पे बीमारी का कोई कारण ना बने, क्योंकि ये जो गंदगी ही है जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो उससे बचने के लिए गांधी जी यही कहते थे कि स्वच्छता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी आज़ादी से कहीं ज़्यादा जरूरी है कि पहले हम स्वच्छ हों, जिससे कि हम जितनी भी शारीरिक बीमारियाँ हैं, जितनी भी बहुत सारी जो गंदगी से संबंधित बीमारियाँ हैं उनसे हम बच सकें, और उससे जब बचेंगे तो देश आगे विकास करेगा। तो गांधी जी का यही सपना था और उसी सपने को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय पिछले 4-5 साल से बहुत कैड़े लगे हुए हैं और हर गांव में, हर शहर में इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी दौरान बहुत से शौचालय बने हैं, स्कूलों में बने हैं, गांव में बने हैं, गरीब घरों में बने हैं और बहुत से गांव, लाखों गांव आज हमारे शौच मुक्त हो चुके हैं और खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, 200 जिले खुले में शौच मुक्त हो सकते हैं चुके हैं। और इसके साथ साथ में बहुत से राज्य भी इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरे देश को इससे
इसमें जोड़ना है और इस मुहिम में मैं चाहूँगा कि हर दोस्त को, हर किसान को, हर भारतवासी को इससे जुड़ना चाहिए और देश को स्वच्छ बनाने का हमारा एक जो सपना है ये बहुत जल्दी साकार हो, जिससे हमारे प्रधानमंत्री महसूस कर सके कि जो उन्होंने बीड़ा उठाया था वो बीड़ा उन्होंने बहुत जल्दी पार कर लिया है तो पूरा और देश उनके साथ है, उनके साथ है। जी बिल्कुल, तो देखिए हम सभी का दायित्व है, लगातार हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अब आपको कह रहे हैं कि स्वच्छता को अपनाना ये हम सभी का दायित्व है, ना केवल अपने देश को अच्छा बनाने के लिए बल्कि हम सबके स्वास्थ्य के लिए भी। अगर स्वच्छता नहीं होगी आसपास तो बहुत गंभीर बीमारियां पनप सकती हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य ही खराब होगा। और जैविक खेती हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस दिशा में। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। तो बिल्कुल ये तो हो गया आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय और उसकी चर्चा। अब कल के कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या विषय लेकर आने वाले हैं आइए आपको जानकारी दे देते हैं। कल के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा बकरी पालन व देखभाल और ब्यांत के समय पशुओं की देखभाल। और इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और अगर आप फेसबुक के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाइए और हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर आप हमारे पेज पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप फेसबुक पेज पर पोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, एक और जरिया है अपने सवाल हम तक पहुंचाने का, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर। इसका नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार आप सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो कल के कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया है, तीनों जो माध्यम हैं उनके बारे में हमने जानकारी दे दी है। और कार्यक्रम के दौरान टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही जिसके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।